आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे कि जनरल मेथड से हाइपरबोला कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखे हुए हैं जनरल मेथड, या इसी को जनरल मेथड को डायरेक्टिक्स और फोकस मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनरल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स तीनों सेम रूल से बनता है, इसलिए इसको जनरल मेथड कहते हैं। डायरेक्टिक्स और फोकस मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्टिक्स और फोकस का यूज होता है, इसीलिए इसको डायरेक्टिक्स और फोकस मेथड कहते हैं। तो चलिए, हम लोग इलिप्स देख चुके थे, पैराबोला देख चुके थे, आज हम लोग हाइपरबोला को डील करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। देखिए, रहेगा आपको कंस्ट्रक्ट ए हाइपरबोला, कंस्ट्रक्ट ए हाइपरबोला व्हेन द डिस्टेंस, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी इज 3/2। ठीक है, फिर रहेगा ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो चलिए, कभी कभी देखिए क्या हुआ होता है कि नॉर्मल टेंजेंट आपको कर्व के किसी बिंदु पे ड्रॉ करने दे देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको पॉइंट फिक्स कर देगा कि उसी बिंदु पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, तो क्या लैंग्वेज यूज करेगा, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व के जगह आपको ये रह सकता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम द फोकस। कभी कभी ये वर्ड यूज हो सकता है इस जगह, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व के जगह, क्योंकि पहले आपको हाइपरबोला बनाना है, उसके बाद नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल टेंजेंट किसी बिंदु पे भी बनाने कह सकता है, या आपको वो बिंदु फिक्स कर देगा कि फोकस से इतना mm के दूरी पे या इतना mm के दूरी पे, क्लियर मेंशन रहता है। ठीक है, तो दोनों में जो भी लैंग्वेज रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सेम रहेगा, सिर्फ पॉइंट अलग होगा। एट एनी पॉइंट में अपने मन से कहीं बिंदु कंसिडर्ड करेंगे, यदि ये दिया रहेगा तो वो फिक्स पॉइंट पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद सेम मेथड से हम लोग नॉर्मल टेंजेंट बनाएंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए, क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग स्टेप को। चलिए, सबसे पहले हम लोग सीट पे क्या करते हैं, नंबर देते हैं, जितना नंबर क्वेश्चन है नंबर दे देंगे आप लोग, 3 नंबर है सपोज, तो 3 नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे फोकस का दूरी डायरेक्ट्रिक्स से दिया रहता है, क्वेश्चन आप पढ़िएगा, वहाँ पे लैंग्वेज में क्लियर लिखा रहता है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी, तो फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ इक्वल टू जो दिया रहेगा लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसेंट्रिसिटी 3/2, और यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा इसेंट्रिसिटी को, कि जो जनरल के केस में हम बताए थे कि इसेंट्रिसिटी अगर यदि लेस देन 1 है क्या बनता है, एलिप्स बनता है। ठीक है, फिर रिकॉल कर देते हैं, E=1 रहता है पैराबोला बनता है। ठीक है, अगर यदि E > 1 रहता है क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, E > 1 है या नहीं, बिल्कुल है, इसका मतलब क्वेश्चन मेरा सही है। ठीक है, चलिए अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ड्राइंग शीट पे हम लोग जो गिवन है फोकस दूरी और इसेंट्रिसिटी उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन को, ठीक है, जीरो और स्केच लाइन पे ला के कस लेंगे। देखिए, ड्राफ्टिंग मशीन को जीरो और स्केच लाइन पे ला के कस लेंगे,
पहला वर्टिकल लाइन खींचेंगे जिसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्स कहते हैं। चलिए पहला वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, जिसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्स कहेंगे। चलिए पहला वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको डायरेक्ट एक्स कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसको डिनोट भी कर लीजिएगा, ये क्या है, डायरेक्ट एक्स है, तो डायरेक्ट एक्स को डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद अपने मन से क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं, एक क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं, ठीक है। इस हॉरिजेंटल लाइन को भी नाम दे देंगे एक्स एक्सिस या सिर्फ एक्स, जो इच्छा हो। चलिए इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए। तो डायरेक्ट एक्स जो पहला वर्टिकल लाइन खींचते हैं इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्स कहते हैं। डायरेक्ट एक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया है वो नाम दे दिए इसको ओ या जीरो, जो भी रख सकते हैं। चलिए उसके बाद जो फोकस दिया रहता है कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट एक्स, डायरेक्ट एक्स से फोकस की दूरी 50 mm, उसको एक्स पे कॉपी करते हैं, एक्स एक्सिस पे कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक्स से फोकस की दूरी 50 mm है, तो 50 mm कॉपी कर लेंगे हम लोग, 50 mm क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। मान लीजिए स्केल पर मेरा यहाँ 50 है, आपका तो बहुत छोटा आएगा, यहीं 50 mm आ जाएगा, मतलब 5 cm। तो यहाँ पे हमको बड़ा करके दिखाना है, तो ये आप समझ पाइए। तो चलिए 50 mm कॉपी कीजिएगा और इसको एप से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो जो आप फोकस दूरी को कॉपी किए उसको क्या कीजिएगा, उसको डायमेंशनिंग भी कीजिएगा, क्योंकि डायमेंशनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसी को नीचे प्रोजेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर इसको दिखा लीजिएगा फोकस को, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिएगा, फोकस को आप दिखा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फोकस को दिखा लेंगे। तो डायमेंशनिंग रूल के अकॉर्डिंग एरो 1:3 में, एरो 1:3 में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला काम डायमेंशन लाइन आउटलाइन के पैरेलल होना चाहिए, मतलब जिस लाइन को आप डायमेंशनिंग कर लें बिल्कुल उसके पैरेलल, इसके पैरेलल इसको लेना है। यहाँ पे 50 से 50 mm तक नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग लास्ट में लिख देते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm, लेफ्ट साइड बॉटम में कॉर्नर पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक करने के बाद अगला स्टेप क्या था अपना, जिस प्रकार हम लोग इलिप्स में पैराबोला में देखे ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखना है, ठीक है। अगला स्टेप ये था कि जो इसेंट्रिसिटी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब जो इसेंट्रिसिटी के अंश और हर हैं, अंश और हर को जोड़ लेना है। तो जब आप अंश और हर को जोड़िएगा, 2, 3, 5 होगा, तो इसको 5 भाग में डिवाइड करना है। पैराबोला के केस में 2 हुआ था, 2 भाग में डिवाइड किए थे। इलिप्स के भी केस में 5 हुआ था, 5 भाग में डिवाइड किए थे। मतलब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसेंट्रिसिटी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करना है, मतलब अंश और हर को ऐड करना है। जितना आ जाए ऐड करने के बाद इसको उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए ऐड करने पे 5 आया, तो इसको 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐड करने पे कितना आया, 5, तो इसको 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 50 है, प्रत्येक पार्ट कितने mm का होगा बताइए, 10-10 mm का होगा, 10-10 mm का होगा। तो हम लोग 10-10 mm पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिर्फ मार्क करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल इसको 5 भाग में हम लोग क्या किए, डिवाइड कर लिए। कैसे डिवाइड किए, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था 50, तो इसको 5 भाग में डिवाइड करना है। प्रत्येक पार्ट कितना लेंगे, 10-10 mm लेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद अगला स्टेप अपना क्या था कि जो इसेंट्रिसिटी के डिनोमिनेटर में रहेगा, तो इसेंट्रिसिटी के डिनोमिनेटर में कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है। जो इसेंट्रिसिटी के हर में रहेगा या डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 2 है, तो 0 से उतना नंबर पे जाएंगे, तो 0 से 2 नंबर पे जाएंगे और फिर यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है, तो दूसरा लाइन पे जाएंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या होगा, वर्टेक्स होता है, जो कि क्या होता है, वर्टेक्स होता है। अब वर्टेक्स जिस जगह एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, यही ना इसेंट्रिसिटी का पॉइंट होता है। हम दिखाए भी थे आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या है, वर्टेक्स, तो भी से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। वर्टेक्स को किससे दिखाते हैं हम लोग, भी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत। तो वर्टेक्स था, इसको भी से आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। चलिए अगला स्टेप, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि
वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट करता है, तो वर्टेक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, तो वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट करता है वहाँ से फोकस को मेजर करते हैं और यहाँ से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाते हैं, जिस प्रकार इलिप्स में पैराबोला में किए उसी प्रकार यहाँ हाइपरबोला में भी करेंगे कि वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया वहाँ से फोकस को नाप लेंगे और यहाँ से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर से, वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट से फोकस को मेजर करेंगे और उसी बिंदु से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो चलिए इस स्टेप को हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग आर्क लगाते हैं इस पॉइंट से। तो ये मान लिए एक बार ऊपर आर्क लगा, एक बार नीचे आर्क लगा, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन के प्रोटेक्टर हेड को लूज करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स के जो डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया था, तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को और आपने जो आर्क लगाया उस दोनों पॉइंट को मिलाइएगा, मिला के आगे बढ़ा लीजिएगा। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ाएंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जहाँ मिल जाए हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे इसको, ठीक है, क्या करेंगे आगे बढ़ा लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए इसको, हम भी बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। इसको ऊपर भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक आप लोग भी कीजिए, उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे हम लोग। देखिए अब करना क्या है कि ड्राफ्टिंग मशीन को फिर यहाँ पे सेट करना है, मतलब जीरो और स्केच लाइन पे बिल्कुल वर्टेक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए ये पैरेलल लाइन कितना ड्रॉ कीजिएगा, तो 5 से 6 लाइन ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए जहाँ तक आप ड्रॉ कीजिएगा वहाँ तक हाइपरबोला का कर्व जाते रहेगा, क्योंकि इन्फिनाइट तक जाता है हाइपरबोला का कर्व। हम बताए थे कि इलिप्स भले क्लोज कर्व होता है, इसीलिए फोकस पे 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करके हम लोग पता कर लेंगे कि इलिप्स कहाँ तक बनेगा, वहीं तक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन पैराबोला और हाइपरबोला का कर्व क्या होता है, ओपन कर्व होता है और ये इन्फिनाइट तक जाता है, इसीलिए आप ज़्यादा लाइन नहीं, 4 से 5 लाइन ले लीजिएगा हाइपरबोला केस में। तो देखिए ड्राफ्टिंग मशीन सेट ही है जीरो और स्केच लाइन पे, बस बिल्कुल इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, कोई जरूरी नहीं कि इसके बीच का दूरी बराबर हो, बीच का दूरी बराबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लाइन पैरेलल होना चाहिए, लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो 4 से 5 लाइन जितना इच्छा हो आपका ले लीजिएगा, सिर्फ लाइन पैरेलल लीजिएगा, दूरी से हमको मतलब नहीं है कि बीच का दूरी क्या है, लाइन का डिफरेंट भी होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए 4-5 लाइन आप ले लीजिएगा। चलिए इतने तक रहने देते हैं क्योंकि आगे फिर आपको दिखेगा नहीं, तो 4-5 लाइन ले लीजिएगा, जितना आपका इच्छा हो उतना लाइन आप ले लीजिएगा। उसके बाद अब करना क्या है, जितना लाइन लिए इसको नेमिंग कीजिए, 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत? चलिए ऊपर भी नेमिंग करते हैं, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखिए अब करना क्या है कि 1 से 1, 1 को, देखिए यहाँ पे 1 से जिस प्रकार इलिप्स में पैराबोला में किए, 1 से 1, 1 को फिर देख लीजिए, 1 यहाँ पे है, 1, 1 यहाँ पे है, तो 1 से 1, 1 को मेजर करेंगे, फोकस पे रख के 1 वाला लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर देखिए 1 से 1, 1 को नाप लेंगे, फोकस वाला पॉइंट ये है, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? इसी प्रकार से जितना लाइन लिए हर एक जगह यही करना है, ठीक है। तो देखिए क्या किए, 1 से 1, 1 को मेजर किए, फोकस पे रख के 1 वाला लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाए, कोई दिक्कत? फिर इसी तरह 2 से 2, 1 को नाप लिए, फोकस पे रख के, देखिए यहाँ से 2 से 2, 1 को नाप लिए, फोकस पे रख के 2 वाला के एक बार ऊपर, देखिए यहाँ पे एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाए। इसी तरह 3 से 3, 1 को नाप लेंगे, फोकस पे रख के 3 वाला को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। इसी तरह 4 से 4, 1 को नापेंगे, फोकस पर रखेंगे तो एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाइएगा। तो जितना आर्क मिला इसको नेमिंग कर लीजिए, P, P1,
पी टू, पी थ्री, पी फोर, ठीक है, इधर भी पी फाइव, पी सिक्स, पी सेवन, पी एट, ठीक है। अब जितना आर्क मिला बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ऐसे जनरल इंस्ट्रूमेंट से मिलाना चाहिए फ्रेंच कर्व से, लेकिन हम पहले बोले एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लेके जाइएगा उतना ज़्यादा परेशानी होगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल हल्के हाथों से फ्री हैंड HB पेंसिल से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का जो कर्व बनेगा ये बिल्कुल HB पेंसिल से बनेगा। तो HB पेंसिल से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ जाइएगा। तो आप दो तीन बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका बहुत एक्यूरेट कर्व बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना एक्यूरेट आपका कर्व बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितना लाइन लीजिएगा हाइपरबोला का कर्व आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो हाइपरबोला क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, इसीलिए HB पेंसिल से बनाया। यहाँ पे ब्लैक मार्कर मेरा 4H है, ग्रीन मेरा HB है, और ज़्यादा पेंसिल का आपको यूज नहीं करना है, बस दो ही पेंसिल हमेशा यूज कीजिए, 4H और HB, कभी दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा, मेन थिंग्स होगा, मेन लाइन होगा, उसको HB से, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन होगा 4H से ड्रॉ करेंगे। तो हाइपरबोला का कर्व बन गया। तो अब बात करेंगे नॉर्मल और टेंजेंट का। आप लोग हाइपरबोला का कर्व ड्रॉ कीजिए, इसके बाद हम लोग अगला स्टेप में देखते हैं कि नॉर्मल और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन में यदि पहला लैंग्वेज जो आपको बताए एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व रहेगा, तो इस कर्व के किसी बिंदु पे आप नॉर्मल टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व रहे तो किसी भी इस पूरे कर्व के कहीं किसी बिंदु पे आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यदि फिक्स पॉइंट दे दे, जैसे उसके नीचे और दे के लिखे एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम द फोकस, तो फोकस से 30 mm का पहले दूरी निकालना पड़ेगा। तो जब 30 mm का दूरी निकालेगा तो एक बार ऊपर एक बार नीचे दो जगह आर्क लगेगा, 30 mm का दूरी या 40 mm जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, फोकस से दूरी दे दिया 30, क्वेश्चन में किस किस प्रकार से रहता है हम पूरा डील कर देते हैं। पहला आपको एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कहेगा तो कर्व के किसी बिंदु पे बना लीजिएगा। दूसरा लैंग्वेज आपको ऐसा कहेगा कि फोकस से इतना mm के दूरी पे, फोकस से 30 mm, 40 mm, 50 mm, 20 mm, कुछ भी दे सकता है। तो जितना mm कहेगा पहले कंपास से कॉपी कर लीजिएगा, स्केल से कंपास पे कॉपी कर लीजिएगा, अब फोकस पे रख के आर्क लगा लीजिएगा। तो दो जगह में एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगेगा, फोकस से दूरी दिया रहेगा, तो कहीं एक जगह आर्क कंसिडर करके बना लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला लैंग्वेज ये भी दे सकता है आपको, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm एबव द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से देखिए ये दूरी क्या होगा, यहाँ से एक्स से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एबव, ठीक है, नीचे क्या होगा, बिलो, ठीक है, एबव या बिलो। तो आपको ऐसा भी रह सकता है कि 30 mm एबव, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm एबव द एक्स एक्सिस, तो इसके एबव 30 mm पे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, जहाँ कर्व लाइन को काटेगा वहाँ बनाइएगा। यदि कहेगा कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm बिलो द एक्स एक्सिस, तो यहाँ से 20 mm नीचे आइएगा, एक लाइन खींचिएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, जिस जगह कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। तो तरीका वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, चाहे पॉइंट कोई भी हो, पॉइंट कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तरीका सेम रहेगा। चलिए अब तरीका सीखते हैं। तो मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, मान लिए कि इस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, कोई पॉइंट ले लीजिए M, कोई दिक्कत, तो हम लोग पॉइंट ले लिए M। चलिए अब क्या करना है, अगला रूल क्या है कि जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको फोकस से मिला लीजिए। तो देखिए हमको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है M पॉइंट पे, तो M को क्या करेंगे, फोकस पे रख कर मिला लेंगे। चलिए फोकस और उस पॉइंट को मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है फोकस का पॉइंट और उस लाइन के थ्रू। तो देखिए ड्राफ्टिंग मशीन को यदि आप इस पे सेट कर लीजिएगा, तो देखिए इस दोनों स्केल का रिलेशन कितना होता है 90 डिग्री, तो इसको आगे एक्सटेंड कीजिएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बना के उसको क्या करना है आपको, एक्सटेंड करना है, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स को काटेगा।
जब आप 90 का एंगल क्रिएट कीजिएगा तो सबसे पहला फिर से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले पॉइंट कंसीडर कीजिएगा। तो पॉइंट किस तरह रहेगा आपको क्लियर हो गया, एट एनी पॉइंट रह सकता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ कुछ mm फोकस से रह सकता है, एक्स एक्सिस से अबव रह सकता है, एक्स एक्सिस से बिलो रह सकता है, जो भी रहेगा, सिर्फ पॉइंट अलग अलग होगा, तरीका सेम रहेगा। तरीका आप सीखते हैं, तरीका क्या है, जिस पॉइंट पर नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको फोकस से मिला लीजिए, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का जब फोकस से मिल जाए 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करके उस लाइन को आगे बढ़ाइए। जब 90 का एंगल क्रिएट करके उस लाइन को आगे बढ़ाइएगा तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट करेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को, और आपने जो पॉइंट कंसिडर्ड किया है यहाँ पर देखिए, तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और हमने पॉइंट ये कंसिडर्ड किया है, दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, वो क्या दे देगा आपको, टेंजेंट दे देगा। तो चलिए दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो चलिए दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, दोनों पॉइंट को मिलाइए और लाइन को बिल्कुल देख लीजिए, दोनों पॉइंट को मिलाना है आपको और लाइन को आगे बढ़ाना है। तो जब आप दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को आगे बढ़ाइएगा तो ये बिल्कुल आपको टेंजेंट दे देगा, ये बिल्कुल आपको क्या करेगा, टेंजेंट दे देगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं बिल्कुल टेंजेंट में, देखिए मेरा यहाँ ज़्यादा सट गया क्योंकि मेरा एक्यूरेट है ही नहीं, आपका एक ही पॉइंट पे स्पर्श होगा, ठीक है। टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट पे स्पर्श होगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। मेरा थोड़ा सा इस जगह ज़्यादा सट गया, खैर कोई बात नहीं, मेरा 100% एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या करना है आपको, ड्राफ्टिंग मशीन को टेंजेंट वाले लाइन पे ले जाके कस लीजिएगा, ये कस लिए क्योंकि एक मिल जाता है, दूसरा हम लोग जानते हैं रिलेशन कितना होता है दूसरे का 90 डिग्री, तो एक निकाल लेना है, दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लेना है। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने का आसान तरीका, टेंजेंट को एक स्केल पे कस लीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक 90 डिग्री दे देगा। तो यहाँ पे इस तरह खींच लीजिएगा, तो इसको भी नेमिंग कर लीजिएगा, टी फॉर टेंजेंट और ये एन फॉर नॉर्मल। तो ये था अपना हाइपरबोला जनरल मेथड या डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड। कोई दिक्कत, जो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि हाइपरबोला का कर्व ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ किए, फिर था नॉर्मल खींचना है, नॉर्मल खींचे, फिर टेंजेंट खींचे, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग यहाँ तक कवर कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।